अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे पुदीने धनिया की चटनी, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने टमाटर और लहसुन लिया है, तो इसको हम थोड़ा सा आग पे इस तरह सेक लेंगे। तो व्यूअर्स, जितनी देर तक ये तैयार होते हैं हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक प्याज है छोटा सा, दो सब्ज़ मिर्चें हैं, पुदीना है और धनिया है। मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया है। हम ये इसमें कुंडी डंडे में डाल देंगे। आज हम इसकी मिर्च बनाएंगे, तो बहुत मज़े की बनती है और टेस्टी बनती है। वैसे आप अगर आप पास ये नहीं है तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका आता है ना, वो ग्राइंड करने से नहीं आता। तो ये कुछ इमली मैंने ली है थोड़ी सी, तो इसको मैंने एक चम्मच डाल के भिगो दिया है। तो हम ये भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन बाद में, पहले हम इसको ना कूट लेते हैं, पीस लेते हैं बारीक। ये देखिए हाफ हमने पीस ली है, तो अब हम इसमें वो टमाटर और लहसुन ऐड करेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारा तैयार हो गया और लहसुन भी, तो हम अब इसके छिलके उतार लेंगे। टमाटर का मैंने पहले ही उतार लिया छिलका, तो हम ये छिलके उतार के तो इसके अंदर, चटनी के अंदर हम ऐड करेंगे। ये टमाटर को भी कटिंग कर लिया और लहसुन के भी छिलके हमने उतार दिए। ये इससे ना टेस्ट आपकी जो है चटनी से बहुत अच्छा आएगा, इसलिए ये हमने इसको सेक लिया था थोड़ा थोड़ा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं और साथ में हम इमली का पेस्ट। ये देखें इसकी जो है मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं, अब हम ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंदर एक चम्मच नमक ऐड करेंगे, अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच और नमक का डाल देंगे। चले जी, हमारी जो ब्यूटीफुल और लजीज चटनी तैयार हो गई है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो बस ये है हमारी जो चटनी की फाइनल लुक। तो ये बहुत मज़े की बनती है, एक दफ़ा आप ज़रूर बना के देखिएगा, तो आप दूसरी चटनियों को भूल जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपने काम